हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा आईसीआईसीआई बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। देखिएगा, लेमैन लैंग्वेज के अंदर मैं आपके साथ अगर एक बात करूं तो आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट किस तरीके के हैं। मैं आपके सामने स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात कर रहा हूँ शुरू में, और ये रिजल्ट इस तरीके के हैं। दो एंगल से अगर आप देखिएगा, ऑपरेशनली वीक रिजल्ट हैं। ऑपरेशनली मतलब जो कंपनी ने काम धंधा किया उसको अगर हम बेस माने तो जो है रिजल्ट खराब है। लेकिन अगर आप असेट्स क्वालिटी के दम पर बात करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के दम पर अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने जो मोरेटोरियम के लिए जो 2 महीने का पीरियड और एक्सटेंड किया था उसकी वजह से नॉन परफॉर्मिंग असेट्स आपने शो नहीं करनी, उनको कंसिडर करें तो बैंक के बहुत ही दमदार रिजल्ट्स हैं। ऑपरेशनली वीक क्यों है ये मैं बात करूंगा आपके साथ, क्यों दमदार है ये भी मैं बात करूंगा आपके साथ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के मोरेटोरियम डिसीजंस की वजह से क्यों दमदार बन रहे हैं। देखिएगा, सबसे पहली बात हम करेंगे इनके इंटरेस्ट इनकम के बारे में। देखिएगा, जो वेबसाइट पे इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है बीएससी की वेबसाइट पे, तो उसकी जो प्रिंट है वो थोड़ा क्लियर नहीं है। तो आपके सामने जो प्रिंटर नज़र आ रहा है उसमें थोड़ी सी क्लियरिटी कम है, कि ये एक्चुअली आईसीआईसीआई बैंक ने जो प्रोवाइड कराया उसी के हिसाब से। देखिएगा, जो इंटरेस्ट इनकम थी पिछले क्वार्टर में, मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर एनालिसिस करता हूँ, ईयर ऑन ईयर नहीं करता। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बात और बताता हूँ कि देखिएगा, कंपनियाँ उस तरीके से एनालिसिस करती हैं अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर जहाँ पर उनको सुविधा हो। अभी मैं आज क्वार्टर ऑन क्वार्टर कर रहा हूँ क्योंकि ये सीजनल बिजनेस नहीं है, यहाँ पर एनालिसिस क्वार्टर ऑन क्वार्टर ही होना चाहिए। कल रिलायंस इंडस्ट्रीज के परफॉर्मेंस का जो एनालिसिस है वो कैसे होना चाहिए था, क्वार्टर ऑन क्वार्टर या ईयर ऑन ईयर? उन्होंने क्वार्टर ऑन क्वार्टर किया, जैसे मैं आज कर रहा हूँ आपके साथ रिलायंस ने, क्योंकि उसको पता था कि मेरी परफॉर्मेंस ऐसे अच्छी आएगी। आईसीआईसी बैंक की प्रेजेंटेशन है, उनको लगता है कि ईयर ऑन ईयर अच्छा दिखेगा तो वो ईयर ऑन ईयर करते हैं, जबकि बैंक को एनालिसिस करने के लिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर ही होना चाहिए, और जो बिजनेस कमोडिटी से रिलेटेड हैं, सीजनल रिलेटेड हैं, उनको ईयर ऑन ईयर करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर दोनों कंपनीज उल्टा कर रही हैं। उल्टा इसलिए कर रही हैं क्योंकि जहाँ पर बेटर प्रेजेंटेशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट नजर आए वो उस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। तो आइएगा, मैं अब इसके बारे में बात करूँ। तो आप ध्यान रखिएगा, मैं अपने एनालिसिस में यही चीज़ देख रहा हूँ कि किस तरीके से कंपनियाँ अपनी प्रेजेंटेशन को शो करती हैं, खराब रिजल्ट को भी बहुत अच्छे तरीके से कैसे पेश करती हैं। हालांकि आईसीआईसी बैंक के रिजल्ट खराब नहीं है, मैं आपको ये बता दूँ पहले। आईसीआईसी बैंक की देखिएगा, 19924 करोड़ की 19924 करोड़ की इंटरेस्ट इनकम थी, उसके सामने इस बार इनको इंटरेस्ट इनकम आई है 19622 करोड़। यानी कि आप ये देखिए कि ये जो इंटरेस्ट इनकम है ये करीबन करीबन 2% कम है, यानी कि 2% इंटरेस्ट इनकम आपको कम मिली है। इसका मतलब क्या, आपको 2% इंटरेस्ट कम मिलना, जबकि बैंक में इंटरेस्ट इनकम हमेशा बढ़ती रहती है क्योंकि नए लोन आते रहते हैं, तो इंटरेस्ट इनकम हमेशा बढ़ती रहती है, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट इनकम घटी है। इंटरेस्ट जो एडवांसेस के ऊपर, जो लोन्स एंड एडवांसेस है, वहां पर देखिएगा करीबन करीबन 500 करोड़ रुपए की इंटरेस्ट इनकम घटी है इनकी। तो आप ये बताइए कि अगर इंटरेस्ट इनकम घट रही है 500 करोड़, ये देखिएगा आपके सामने पिछले क्वार्टर के मुकाबले, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट इनकी बढ़ी है, यानी कि यहां पर इनको पॉजिटिव आ गया, जो इन्वेस्टमेंट थी उसके ऊपर इनकम बढ़ी, यानी कि वो इन्वेस्टमेंट इन्होंने जो है इंटरेस्ट जो अर्न किया है या उसको सेल करके जो भी प्रॉफिट कमाया है। उसके बाद आरबीआई के पास देखिएगा, और जो बैंकों के पास था ना वो इनके पास थोड़ा सा मैनेजेबल है, इन्होंने बहुत सारा पैसा आरबीआई के पास जमा नहीं किया, जो कि मोस्टली बैंकों ने कर रखा था, लेकिन इन्होंने आरबीआई के पास पैसा जमा नहीं किया। अदर सोर्सेज से भी इनकी इनकम आई, अदर भी, और जो नॉर्मल अदर इनकम्स है 4028 करोड़, वहां पर 2000 करोड़ की जो है इनके पास कमी होगी, क्योंकि जो फीस बेस इनकम है वो नहीं आ रही है क्योंकि नए क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं। तो ऑपरेशनली देखेंगे तो जो रेवेन्यूज है वो कम हो गए। इंटरेस्ट इनकम आपने ली तो इंटरेस्ट की पेमेंट भी कम करनी थी, और वैसे भी आपको पता है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट नीचे की तरफ है, तो उस वजह से जो है इसके ऊपर भी कॉस्ट बर्डन कम है। इस बैंक के अंदर एक खास बात जो और देखने के लिए मिली कि एम्प्लॉई कॉस्ट पिछले क्वार्टर से भी घट गई, यानी कि इन्होंने जो टेम्परेरी एम्प्लॉयज थे वो शायद हटा दिए, क्योंकि अगर परमानेंट एम्प्लॉयज को अगर आप हटाओगे तो आपको बेनिफिट आएगा नहीं। दूसरा, सैलरी कट इन्होंने किया नहीं है, तो उस वजह से भी अगर आप एम्प्लॉई कॉस्ट देखें तो घटनी ही नहीं चाहिए थी। तो बहुत सारा ऐसा स्टाफ जो इनके पास था, इन्होंने जो लोन्स एंड एडवांस बांटने के काम आता था, नए ग्राहक ढूंढता था, उसको शायद हटा दिया, जिसकी वजह से आपको एम्प्लॉई कॉस्ट में भी जो है कमी नजर आएगी। हालांकि जो बाकी मिसलेनियस खर्चे हैं वो बढ़ते हुए नजर आए हैं। कुल मिलाकर जो टोटल खर्चे हैं वो 15389 करोड़ है, जो पिछली बार 15290 करोड़ थे, यानी कि खर्चे थोड़े से मामूली से बढ़े, इनकम मामूली सी घटी नहीं है, इनकम
मामूली सी घटी नहीं है, बढ़ी है। अब वो किस वजह से आपकी टोटल इनकम जो है यहाँ पर जो सॉरी टोटल इनकम भी आपकी करीबन 3,000 करोड़ की घटी है और आपके एक्सपेंसेस बढ़ गए। तो इनकम कम हो रही है, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। अभी आप देखिएगा, आप खुद सोच के देखिएगा, आपकी इनकम कम हो जाए 3,000 करोड़ की और एक्सपेंसेस आपके बढ़ जाए, राइट, तो आपका टोटल प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आएगा। तो ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछली बार 10,776 करोड़ के थे, वो 8,261 करोड़ के हो गए। आप बताइए आपका प्रॉफिट पिछले क्वार्टर के मुकाबले में कितना परसेंट डाउन हो गया? 20% डाउन हो गया। यानी कि ऑपरेशनली बताइए, अब आप ऑपरेशनली कैसे प्रॉफिट है? आपका प्रॉफिट 20% से भी ज्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट डाउन हो गया, राइट? यानी कि आप ऑपरेशनली वीक रिजल्ट हैं आपके। लेकिन आपका प्रॉफिट कैसे बढ़ा? प्रॉफिट देखिएगा ऐसे बढ़ा कि पिछले क्वार्टर में प्रोविजन था 7,593 करोड़ का। लॉकडाउन में देखिए, लॉकडाउन के पीरियड में आप 10,000 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर रहे थे। लॉकडाउन के बाद जब बिजनेस एक्टिविटीज बढ़ गई, आप 8,261 करोड़ का प्रॉफिट ऑपरेट कर रहे हैं। तो ऑपरेशनली बहुत ही वीक रिजल्ट है आपको, ये मैं आपको बता दूं। और आप खुद भी अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं, जून क्वार्टर आपके सामने, सितंबर क्वार्टर आपके सामने। अब यहां पे जो प्रॉफिट आए वो 8 to 6 है। यहां पिछली बार प्रोविजन था 7,593 करोड़ का, जो प्रोविजन इस बार घटा दिया इन्होंने 2,995। ये जो प्रोविजन घटा है ये किस लिए घटा है, ये ध्यान से समझिएगा, क्योंकि नए नॉन परफॉर्मिंग असेट्स नहीं आने थे। वो नॉन परफॉर्मिंग असेट जो नहीं आने थे, उनकी एक तो इंटरेस्ट इनकम नहीं आनी थी इनकम में, वो आ गई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि वो नॉन परफॉर्मिंग नहीं होंगी। दूसरी बात, उसके ऊपर प्रोविजन भी नहीं बनाना, तो अगर आप उसके ऊपर प्रोविजन नहीं बनाओगे तो आपके प्रोविजन्स भी कम बन गए। तो अल्टीमेटली आपके प्रोविजन्स भी कम बन गए और आपको इनकम भी ज़्यादा दिखाने के लिए मिल गई, क्योंकि जिन लोगों ने डिफॉल्ट किया है उनकी इनकम भी इंटरेस्ट इनकम में शामिल है। तो यहां पर आपको जो प्रॉफिट है वो फिर भी 20% घटे हुए हैं, लेकिन आपके पास प्रोविजन नहीं बनाने थे इस बार ज्यादा, इसलिए आपकी असेट्स क्वालिटी के जो रिस्क थे वो रिस्क आपके सामने नहीं आए। यानी कि जो असेट्स क्वालिटी पर आपको लॉस होना है वो किसी को पता ही नहीं है, जिस वजह से आप देखिएगा एक जबरदस्त प्रॉफिट 5,265 करोड़ के जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स इन्होंने जनरेट कर दिए, जो पिछली बार 3,182 थे। तो आप देखिएगा जब प्रॉफिट की बारी आई, नेट प्रॉफिट की बारी, तो आपके प्रॉफिट बढ़ गए। क्यों? आप ऑपरेशनली तो वीक रिजल्ट्स हैं, लेकिन नेट बेसिस पर आपके दमदार रिजल्ट हैं। दमदार क्यों है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आपको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के लिए जो राहत दी थी उसकी वजह से। अब देखिएगा यहां पर जो टोटल प्रॉफिट्स की बात हो गई, अब देखिएगा यहां पर, तो अब ईपीएस आई है 6.35 जो थी 4 रुपीज एंड 1 पैसा। तो आप ये देखिएगा, अगर आप इस ईपीएस के ऊपर आज शेयर्स को देखें कि मान लेते कि हम 6 रुपये की ईपीएस, हालांकि देखिएगा ये मेंटेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतनी ईपीएस अब आगे मेंटेन नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स के प्रोविजंस हैं वो आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन हम फिर भी उम्मीद करते हैं कि चलिए। तो अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो ईपीएस आ रही है वो क्या आ रही है, तो आप देखिएगा जो 6 रुपीज़ एंड 35 पैसे की जो ईपीएस है, अगर उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो अभी हमारे पास इस शेयर की ईपीएस आ रही है 25.4, और अभी शेयर चल रहा है 400 रुपये का, 392 रुपीज़ का। तो 392 से अगर 25 रुपये 40 पैसे को अगर आप डिवाइड करें तो आपके पास जो पी रेशो आती है वो 15 टाइम्स आती है, जबकि एचडीएफसी बैंक और कोटक वगैरह बैंक की जो है 20 से ऊपर की पी रेशो जो है चल रही है। तो इसको हालांकि वैल्यूशन वाइज अभी भी नीचे के वैल्यूशन मिलते हैं, और उसका मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण है इसकी असेट्स क्वालिटी, लेकिन इस बार असेट्स क्वालिटी में कोई डेंट पड़ा नहीं। और देखिएगा इसकी जो ग्रोस एनपी है वो 5.17 है, जिसकी वजह से इसको अच्छी वैल्यूशन नहीं मिलती हैं, और इस बार इसको नॉन परफॉर्मिंग असेट्स ज़्यादा बढ़ानी नहीं पड़ी। तो ये तो थे इसके ऑपरेशन रिजल्ट्स। आप अगर वहाँ पर भी देखना चाहेंगे सेगमेंट में, तो सेगमेंट में देखिएगा रिटेल में इन्होंने अच्छा किया है, रिटेल में इनकम भी इनकी बढ़ी है। होलसेल बैंकिंग में इनकी इंटरेस्ट इनकम 300 करोड़ का कम आई है। ट्रेजरी में तो करीबन 3,500 करोड़ कम हो गए, वहाँ ट्रेजरी से मोस्टली बैंक ट्रेजरी में पैसे लगा रहे थे, लेकिन ये बैंक जो है एग्रेसिवली काम कर रहा था क्योंकि उसको पता था ऑपरेशनली पहले से वीक है और ट्रेजरी में पैसा डाल देंगे तो दिक्कत आ जाएगी, तो इन्होंने ट्रेजरी में पैसा नहीं डाला जाता। अदर बैंकिंग में 803 करोड़, लाइफ इंश्योरेंस क्योंकि जो इनकी सब्सिडरी कंपनी है आईसीआईसीआई प्रू, वहाँ से
भी काफ़ी अच्छा जो है प्रॉफिट इनके पास आया, वो करीबन 10,537 करोड़ का प्रॉफिट है वहाँ से, वो सॉरी रेवेन्यू है, और 3,168 करोड़ का, 3,168 करोड़ का जनरल लाइफ इंश्योरेंस है, यानी कि जो ICICI लोम्बार्ड का बिजनेस है वहाँ से। और अदर्स के अंदर आप देखेंगे तो ICICI सिक्योरिटी के अंदर भी बहुत अच्छा प्रॉफिट था यहाँ पे। तो कंसोलिडेटेड बेसिस पे ये तीनों जो बिजनेसेस हैं जो बैंक के बाहर हैं वो अच्छा कर रहे हैं। उसके बाद देखिएगा रिटेल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग से इन्होंने प्रॉफिट कमाया 683 करोड़, पिछली बार और सॉरी होलसेल बैंकिंग से प्रॉफिट कमाया 683 करोड़, जो पिछली बार कमाया था 1,000 करोड़। रिटेल बैंकिंग में प्रॉफिट 300 करोड़ ज़्यादा है, होलसेल बैंकिंग में 400 करोड़ रुपए कम है। ट्रेजरी में तो आप देखिएगा करीबन करीबन 2,500 करोड़ का प्रॉफिट साफ हो गया, तो ट्रेजरी इनके लिए जो है अच्छा नहीं कर पाई, तो ट्रेजरी में इनकी इनकम घटती हुई नजर आई। अदर बैंकिंग में 136 तो मोर और लेस एक जैसा ही है। लाइफ इंश्योरेंस में देखिएगा पिछली बार इनका जो बिजनेस में प्रॉफिट था वो 531 था, वो 554 अच्छा किया है, और जो जनरल इंश्योरेंस है उसे मोर और लेस सेम ही है, सेम ही फिगर के ऊपर। तो ये कुल रिजल्ट्स हैं इसके। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो रिटेल है उसमें काफ़ी फोकस कर रहे हैं ये बैंक, और ICICI बैंक अभी भी रिटेल में अग्रेसिवली काम करने की कोशिश कर रहे हैं। होलसेल बैंकिंग से बिल्कुल पैर पीछे उन्होंने खींच लिए हैं अपने, सेम असेट्स हैं जो पिछले क्वार्टर में थी, तो कोई नए लोन्स वगैरह ज़्यादा इन्होंने बांटे नहीं है, वो आपको प्रॉफिट में भी नज़र आ रहा है। उसके बाद प्रोविजंस के बारे में बात करें तो देखिएगा मोरेटोरियम के जो लोन्स थे इनके वो 14,564 थे, जिसमें सिर्फ 2,405 के रह गए। ये लोन नहीं है, ये केवल वो किस्तें हैं जो लेनी है इनको, तो वो 2,405 करोड़ रुपए की है, और उसके सामने इनके पास प्रोविजन है 2,725 का। तो ये केवल वो है जो मोरेटोरियम है, मोरेटोरियम के बाहर जो है असेट्स हैं उन पर भी जो है प्रोविजन अभी आपने जो है बनाया है, लेकिन वो सफिशेंट है या नहीं है वो अगले क्वार्टर में पता चलेगा। तो देखिएगा जो रिजल्ट है ऑपरेशनली मैंने आपको फिर बोला वीक है, लेकिन नॉन परफॉर्मिंग असेट्स पे आपको राहत मिली हुई है, तो इसलिए आपको रिजल्ट अच्छे लगेंगे। और यहाँ पर अगर ये नहीं होता तो ये खुद बता रहे हैं कि ये जो NPA होती, ये ग्रोस NPA 5.36 होती, और अगर सुप्रीम कोर्ट का रूल नहीं होता तो 1.12 होती, तो ये 1.12 के हिसाब से प्रोविजन भी जो एक्स्ट्रा मेंटेन किए गए होते। अब यहाँ पर जो कंपनी ने रिपोर्ट की है वो देखिएगा, सब चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि डिपॉजिट ग्रोथ किस तरीके की है क्या। तो देखिएगा सब ईयर ऑन ईयर इन्फॉर्मेशन है, तो अगर ईयर ऑन ईयर इन्फॉर्मेशन को आप लेंगे तो आप सही तरीके से जो है वर्कआउट टेक कर पाएंगे। लेकिन देखिएगा ब्रांचेस बहुत बेहतरीन है इनके पास, नेटवर्क में नो डाउट 5288 है, और ATMs में 15158 है। तो अगर आप इनकी प्रेजेंस की बात करेंगे तो देखिएगा HDFC बैंक भी जो है या कोटक भी इनके सामने कहीं नहीं टिकता है, ये जिस तरीके से एक्सपेंशन करते हैं, जितने अच्छे इनके मॉडल्स हैं उन सबको। लेकिन हुआ क्या कि जो पीछे चंदा कोचर एपिसोड हुआ, या पीछे जो इनकी असेट्स जो डूब गई, या वीडियो कॉन केस में, या बाकी केसेस के अंदर भी, वहाँ से ये बैंक जो है अभी अपने आप को जो है नहीं उभार पाया है, और जिसकी वजह से अभी इस क्वार्टर में आपको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स तो नज़र नहीं आ रही हैं, क्योंकि देखिएगा आपको कोई भी लिटिगेशंस के जो मामले हैं इंसॉल्वेंसी कोड में नहीं जा रहे हैं, तो वहाँ से भी जो है कोई अभी इनके पास कोई नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स नहीं है। तो इस वजह से आप देखिएगा तो जो असेट्स क्वालिटी है उस पर सारा दारोमदार है। ऑपरेशनली वीक रिजल्ट थे, सुप्रीम कोर्ट के प्रोविजंस की वजह से आपको जो है रिजल्ट अच्छे लगे होंगे। तो यहाँ पर मैं केवल यही बात आपके साथ बोलना चाहूँगा कि रिजल्ट जो है लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ऑपरेशनली वीक, ओवरऑल एक्सेलेंट। ओवरऑल एक्सेलेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप EPS पे देखेंगे इतनी अच्छी ग्रोथ तो आपको नज़र ही नहीं आएगी। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर से ज़रूर आप मुझे बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।